जो भी सजा देना चाहते हैं मुझे दीजिए, मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ। अब जो सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। तुम सच कह रही हो? तुम्हें ये बात साबित करनी पड़ेगी। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, राणा जी की पटरानी। तुम्हें मुझे वो दर्जा, वो आदर देना होगा। हम तुम्हें क्षमा कर सकते हैं, पर हमारी एक शर्त है। आप जो शर्त कहोगे वो स्वीकारने के लिए मैं तैयार हूं। तो फिर गायत्री देवी, राणा इंद्रवदन की दूसरी पत्नी। आज से, अभी से हमारी यानी महारानी सुलक्षणा की गुलाम यानी सेविका बनकर रहेंगे। तुम्हारे मैके में केला बिना छीले खाते हैं? ये क्या किया? हम रानी हैं और हम एक बांदी का छुआ हुआ नहीं खा सकते। जाओ इसे फेंक करो। पर सुलक्षणा, खाना इसे बर्बाद नहीं करते। अब तुम हमें अच्छे बुरे का फर्क सिखाओगी? अब यहां खड़ी क्या हो? जाओ और इसे फेंक करो। माफी। रुको, तुम सही कह रहे हो, खाने को ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। चलो तुम खा लो। रानी सुलक्षणा, ये सब आप? जन्मदिन मुबारक हो रानी सुलक्षणा। आज हमारा जन्मदिन है। अपना जन्मदिन आप भूल सकती हैं, पर राणा जी नहीं भूल सकते। ये देखिए, राणा जी की तरफ से कौन है? इतना वक्त महल में गुजारने के बाद भी आपने नहीं सीखा कि किसी के कमरे में आने से पहले इजाजत लेनी चाहिए? बड़ी रानी माँ, वो मैंने और राजमाता ने काली घूंघट वाली को देखा तो हमें लगा वो यहाँ ही होगी। यहाँ कोई नहीं आया। जी बड़ी रानी माँ, मैं सोच रही थी कि घूंघट की घूंघट
ये घूंघट यहाँ कैसे?